स्वामी जी चरण स्पर्श प्रणाम जी। जिंदे में स्वर्ग देखना चाहते हैं सभी लोग, तो यहाँ जिंदे में स्वर्ग दिख गया। और मेरे को क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी है। ये पैनक्रियाटाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है, पैनक्रियाज पर सूजन आ जाती है और एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं, पित्त बढ़ने से होती। पैनक्रियाज में स्टोन है मेरे, और ये स्टोन भी एक बार निकलवा चुका हूँ, दोबारा फिर आ गए हैं, और उससे डायबिटीज अप डाउन होती है उसी मेडिसिन पर, उसी खान पीन पर। उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा, तो मैं यहाँ आया, चार बार इंसुलिन लगाता हूँ, तो इंसुलिन तो जी चार इंसुलिन मेरा थोड़ा सा कम तो हुआ है यहाँ, पर अप डाउन बंद नहीं हो रहा, थोड़ा सा खान पीन और उसी डोज पर। इसके लिए थोड़ा सा बताएं स्वामी जी मेरे को। ये पित्त बढ़ने से पैनक्रियाटाइटिस होता है, इसलिए एलोवेरा, थोड़ी सा व्हीट ग्रास और लौकी, ये लगातार पीना, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। व्हीट ग्रास तो मैं हमेशा ही पीता हूँ, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, तीनों थोड़ा थोड़ा ले लेना जी। और थोड़ा अंकुरित लेना जी। पित्त बढ़ाने वाली कोई चीज खाना मत जी। अप डाउन ज्यादा होता है मेरा। अब सुनो तो जी। फिर कुलथ, गोखरू और जौ, इसका पानी पीते रहना, तो अंदर से पथरी अपने आप धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी जी। अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी धीरे जी। और आगे बनेगी नहीं, कंटिन्यू नहीं पीना है 2-3 महीना जी। जब तक पूरी पथरी खत्म ना हो जाए और आगे से किडनी पेनक्रियाज में स्टोन फॉर्मेशन जो बार बार हो रहा है उससे मुक्त हो जाएगा। उबाल के पीना है या वैसे? उबाल के पी लेना, उबाल के ठंडा करके पी लेना। अभी गर्मियों में उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए, गर्मियों में गर्म गर्म पूरे दिन पीना है, पूरे दिन 2-3 बार पी लो, 20-20 ग्राम इतना इतना लेकर के। अच्छा, इस पर और ये जो मधुनाशिनी और मधुग्रीट है, खाली पेट खाने के बाद उसको भी थोड़ा लेते रहे, बहुत अच्छा हो जाएगा।